सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे बड़े पीर बादशाह कौन है, किनको सभी पीर सजदा करते हैं। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हमारा पीरो मुर्शिद, हमारा गुरु ही हमारे लिए सबसे बड़ा होता है, पर इस दुनिया में अगर हम पीर बादशाह की बात करें, सभी पीर किनको सजदा सलाम करते हैं, किनका आसरा लेते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर नबी इस दुनिया ते भेजे हैं और उन सब नबियों के सरदार है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला के रसूल, आला रुतबा है जिनका, कुल नबियों के सरदार हैं, अल्लाह ताला के खास महबूब हैं। वह अल्लाह के नबी आला रुतबा, सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचा रुतबा है उनका, और उनका खानदान पंचतन पाक का खानदान है, और पंचतन पाक में सबसे बड़े हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला के रसूल, अल्लाह ताला के पाक महबूब, और उनके बाद हजरत मौला अली शेरे खुदा, और उनके साथ हजरत बीबी फातिमा कुलजहरा जन्नत की मलिका, और उनके साथ हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये है पंचतन पाक का घराना। ये जो फकीरी है, चाहे वह चिश्ती हो, कादरी हो, साबरी हो, ये सारी फकीरी हजरत मौला अली शेरे खुदा की गुलाम है। जितने भी पीर फकीर हुए हैं, इन सब का मुंड है हजरत मौला अली शेरे खुदा। जितने भी पीर फकीर हुए हैं, वह सब हजरत मौला अली शेरे खुदा के गुलाम हैं, और हम उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के भी गहा गुलामों के भी गुलाम हैं। इसीलिए जितने भी पीर बाबा के दरबार हैं, किसी पर भी किसी की भी अहदेदारी नहीं चलती है। हमें कभी भी औंधे पैर नहीं चलना चाहिए किसी भी पीर बाबा के दरबार पे। यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा किस्सा बताएंगे। हजरत बीबी फिजा, जो कि हजरत मौला अली शेरे खुदा के गुलामों में उनका रुतबा आला है, जैसा पाक इश्कूनों ने अपने पीरो मुर्शिद से किया है, ऐसा ना तो कभी किसी ने किया है और ना ही आगे शायद कोई कर सकता है। दूसरे हजरत जबरील, जो कि अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत बीबी फिजा जी के घर आते हैं। उस समय हजरत बीबी फिजा जी मौला हुसैन जी के जूठे बर्तन को धो रहे हैं। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो हजरत बीबी फिजा पूछते हैं कि कौन, तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं जिब्राइल हाँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। बीबी फिजा पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वह बोले कि मैं यहाँ पर अल्लाह ताला का एक स्नेहा लेकर आया हूँ हजरत मौला अली शेरे खुदा जी के लिए। यह बात सुनकर हजरत बीबी फिजा बोले कि आप थोड़ा समय रुक जाएं, मैं अभी मौला अली हुसैन जी के जूठे बर्तन धो रही हूँ। ऐसे ही 10-15 मिनट और गुजर जाते हैं, बाहर से फिर आवाज़ आती है, तो बीबी फिजा पूछती है कि कौन, तो बाहर से आवाज़ आती है कि मैं मौला हुसैन जी का दर्जी हूँ, उन्हों के लिए मैं कपड़े लेकर आया हूँ। तो बीबी फिजा मौला हुसैन जी के जूठे बर्तन धोते धोते उनको छोड़कर अपने हाथों को साफ कर बाहर जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। मौला हुसैन जी के कपड़ों को उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा। जब वह वापस मुड़ने लगी, तो उनको लगा कि शायद ये वही है जो पहले आया था। उसको देखकर बीबी फिजा जी ने पूछा कि आप अल्लाह के फरिश्ते हो, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जी ने बोला कि हाँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। जय बात सुनकर बीबी फिजा जी बोले कि पहले आप बड़े गुरूर से, बड़े रोब से बोलते थे, अब बड़े ही प्यार और हलीमी से बोल रहे हो, ऐसा क्या हुआ? जय बात सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि माँ, मुझे तुम्हारे जवाब ने हल्का कर दिया, धीमा कर दिया, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कि जय हजरत मौला अली शेरे खुदा जी का दर है, जहाँ पर अहदेदारी नहीं चलती, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताब्यादारी चलती है। सो प्यारे दोस्तों, ऐसी शान है पंचतन पाक की, ऐसी शान है मौला अली शेरे खुदा जी की, जहाँ से
पूरी ही पीर फकीर की लाइन चली है, उनको ही सभी पीर सजदा करते हैं। इस दुनिया में जितने भी पीर फकीर वली हुए हैं वे सभी इनके बाद में हुए हैं। इनके सदके में से ही हम आज पीर बाबा के दर्शन करते हैं, उनसे अपनी हर मुराद को पूरा करवाते हैं। सो इन्हीं के खानदान ने गहां चलकर अल्लाह ताला के लिए कर्बला में अपना पूरा कुनबा शहीद करवाया था, अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी दी थी। सो अगर हम भी अपने पीरो मुर्शिद से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, हर मुराद लेना चाहते हैं, तो हमें आकड़ मान हंकार सभी कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा और हमें पूरी हलीमी और ताबेदारी से मांगना पड़ेगा, तब हमारी हर मुराद पूरी होगी। हम जितना झुककर जाएंगे, जितना मन को नीमा कर जाएंगे, उतना ही फल हमें ज़्यादा मिलेगा। तो आपने ये कवाली भी सुनी होगी, सारे आप पीरां दा अली पीर है। सो ओ अली की बात इन्हीं के बारे में की गई है, मौला अली शेरे खुदा जी के बारे में ही बोला गया है कि सभी पीरों के पीर है मौला अली शेरे खुदा। सो जहां से ही पीर बाबा की लाइन तुरी थी, जिनकी कर्म नवाजी सदका आज हम अपनी हर मुराद को पूरा करवा लेते हैं। सो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।